हाँ संतोष। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, क्या हुआ? मैडम सर, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके आदित्य वाले प्लान पे मैंने आगे काम शुरू कर दिया है। ओके मैडम सर, मैं आज आदित्य के साथ लंच डेट पे जा रही हूँ। क्या? आई मीन वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आप अकेले जा रही हैं? जी मैडम सर। आर यू श्योर संतोष शर्मा कि आप अकेले जा रही हैं? हमें से किसी की आपको मदद नहीं चाहिए? संतोष शर्मा को जरूरत पड़ सकती है मैडम सर, पर कॉन्स्टेबल संतोष शर्मा को बिल्कुल नहीं। गुड, ऑल द बेस्ट कॉन्स्टेबल संतोष शर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। भाई सोच बदलो, सब बराबर है, गोरा काला कुछ नहीं, सब बराबर है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा, बोलो जोर से। बराबर, जोर तो बचा ही नहीं है गन्ना चूस का। हाँ, तो आवाज कहाँ से निकली? सही बोले। क्या भैया, चाय पियोगे? आपने तो मुंह की बात छीन ली मैडम। कैसा चाय पीना पसंद करोगे, काला चाय या फिर दूध वाला चाय? दूध वाली हो या काली, भेदभाव नहीं करेंगे, काली पी लें। ज्यादा फ्रैंक होने का जरूरत नहीं, हमारे सामने अपना काम चालू रखो। ओके। बदनाम, चाय दे। सोच बदलो, सोच। ए भाई, सोच बदलो। कौन सी सोच? बीवी सावली हो या गोरी, प्यार करो। बीवी गोरी हो या सावली, सब एक जैसी होती है, शादी के बाद सब खून पीती है। क्या बात? सोच बदलो, सब बराबर है, गोरा काला कुछ नहीं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। चलिए जरा साथ में चाय पीते हैं। गोरा काला कुछ नहीं, सब बराबर है। आपने उत्तम को अभी तक छोड़ा क्यों नहीं, और क्या हालत कर रखी है उसकी? मैडम सर, इसमें हमारा क्या दोष है? हम तो ठहरे कानून के पहरेदार, अब जब तक बेल नहीं होगा तब तक हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? और जहां तक हमें पता है, कोई उसका बेल कराने के लिए हमारे सामने आ ही नहीं रहा है। इतना तो हम भी अच्छे से समझते हैं कि जब तक आप नहीं चाहेंगी, कोई उसकी बेल कराने आएगा ही नहीं। इसे कानून का डर कहते हैं मैडम सर, जो उत्तम और आदित्य जैसे लोगों के बीच में बना रहना चाहिए। आप ही बताइए मैडम सर, हम लड़कियां पहले से कम सहती है, जो इस बात के लिए भी सहे जो कंट्रोल में ही नहीं है, काला गोरा ये तो भगवान ने दिया है ना कलर, इसमें लड़कियों का खुद दोष है। हम ना ये एग्जांपल सेट करना चाहते हैं मैडम सर, कि कोई भी इंसान किसी इंसान को उसके सांवले रंग की वजह से दिल तोड़ने से पहले ना हजार बार सोचे, और ये मैसेज हम पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं। बस हमारा तरीका अलग है और आपका अलग। और आपका तरीका तो यही है ना, डराना, धमकाना, डंडा चलाना, अपनी वर्दी की धौंस दिखाना। एक बात बताइए, कल आपने आदित्य को जानबूझ कर डराया ताकि ये केस आपको अपने तरीके से हैंडल करने का मौका मिल जाए? नहीं मैडम सर, वो तो गलत फहमी था, लेकिन हाँ ये बात भी 16 आने सच है कि हमें मौका मिला होता ना, तो इस केस को हम अपने तरीका से कब का सॉल्व कर चुके होते। जी आप कौन? मी पुष्पा जी, काम हो गया है, आदित्य को पटा लिया मैंने। आप हमें जानती हैं? और पटा लिया, मगर आप है कौन? या ये तो अपनी संतु है। हम तो देखते ही पहचान गए थे कि हमारी संतु जी हैं। हमारी संतु जी। What? Why are you guys staring at me? क्या बोली? इंग्लिश में बोली। पुष्पे, मैं आदित्य के साथ लंच डेट पे गई थी। आ, 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 आ,
अरे वाह, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। डेट कैसी रही? आपको पता था मैडम सर? जी, हमें एक बात समझ नहीं आई कि आपने आदित्य को मनाया कैसे। मैडम सर, मुझे तो नहीं आता था, लेकिन थैंक्स टू पुष्पा जी, पुष्पा जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि लड़के ना एकदम आइसक्रीम की तरह होते, पिघलने के लिए एकदम रेडी होते हैं। तो मैंने बहुत ही प्यार से आदित्य को सॉरी का मैसेज किया, मगरमच्छ के आंसू बहाए, और ये भी बता दिया कि करिश्मा मैडम को गलत फहमी हो गई थी, और समझा दिया कि मुझे कमिटमेंट फोबिया है। अच्छा, तभी हम सोचे लल्ला आपकी सारी बात कैसे मान लेता है। हम हमारे लल्ला के साथ कभी ऐसा नहीं करते। रहने दीजिए, वो तो आप ना। संतु जी, संतु जी आप कितनी सुंदर लग रही है, मतलब एकदम ऐसे भौकाल इतनी। ये बात तो सच है संतु जी, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और आप जब आई थी तो ये इंग्लिश एक्सेंट में क्यों बात कर रही थी? वो एक्चुअली हमारे लंदन में ऐसे ही बात करते हैं। हमारा लंदन? ये लंदन आपका कब से हुआ संतोष जी? गॉड, अब अगर मेरे और आदित्य की जोड़ी जम जाएगी तो आई हैव टू शिफ्ट लंदन ना, तो अभी से हम प्रैक्टिसिंग। बाय द वे पुष्पा जी, लुक एट दिस, ये आदित्य ने मुझे 3 लाख की घड़ी गिफ्ट की है। 3 लाख? हाँ। और ये भी कहा है कि लंदन में 13 to 14 बेडरूम्स का घर है। कैन यू इमेजिन? 7 to 8 कार्स, कैन यू गाइस इमेजिन? एंड यू नो व्हाट, 10 नौकर्स, 10 नौकर्स, सर्वेंट, नौकर, नौकर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नौकर। कांस्टेबल संतोष, आपने लिपस्टिक अपना आधा अधूरा क्यों लगाया हुआ है? वो एक्चुअली वो वैसे एक किस तो बनता है। नहीं, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अरे वो मैं तो खा ही रही थी ना, बातें तो सिर्फ वही कर रहा था, तो इसलिए शायद थोड़ा इधर उधर हो गया हूँ। संतोष शर्मा, हमें आप पर गर्व है कि आपने अपने अंदर के डर को जीत लिया। चलिए फिर शादी के इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। एक काम करिए, आप आदित्य और उसके माता पिता को आज शाम को ही थाने बुला लीजिए, ताकि हम शादी की डेट फिक्स कर सके। नवाब साहब के कमरे में होगी मीटिंग। मैडम सर, मैं अपनी मम्मी पापा को फोन करके बुला लूँ प्लीज? वो और मुझे वो वाइट वेडिंग गाउन चाहिए ना, तो इतने जल्दी कैसे अरेंज होगा वो? संतोष शर्मा, ये आपकी असली शादी नहीं है। फिलहाल आपकी माँ बनेगी पुष्पा जी और पिता बनेगा बिल्लू। हाँ। मैडम सर, रेस्टोरेंट में आदित्य ने दोनों को देख लिया होगा। बिल्लू का तो सलूशन है हमारे पास, लेकिन पुष्पा जी। और हम तो आदित्य के पीछे खड़े थे, और जैसे हम पहुंचे वो तो भाग गया, उसने हमें नहीं देखा होगा। एक मिनट, कोई कुछ भी बने, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अरे मुझे देखो, पुष्पा जी को देखो, ये कैसी जोड़ी है। देखो मैं तो एकदम बाका नौजवान हूँ। पुष्पा जी को देखिए, इनको देख के तो ऐसा लगता है इन्होंने मेरे बाप दादाओं के साथ गिल्ली डंडा खेला होगा। हाँ माना पुष्पा जी, वो मेरे 2-4 बाल नाराज होके कहीं चले गए हैं। 2-4? इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों हम उम्र के हैं। बिल्लू मतलब मैं कहा आप कहा, ये उम्र का फासला कैसे मिटेगा? पुष्पा जी, संतोष की माँ तो आप ही बनेंगी, लेकिन आपकी ओवर एक्टिंग की वजह से आप बेजुबान माँ बनेंगी। नहीं नहीं, इस बार नहीं करेंगे हम। बिल्लू। हाँ? आप इनके हस्बैंड बनेंगे। That's an order. Okay. ऐसे प्यार से बोलूंगी ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करिश्मा सिंह जी, आप कुछ नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि ये मीटिंग सक्सेसफुल हो। जी, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जान के बड़ा दुख हुआ। इनकी ये हालत पहले से ही, मेरा मतलब है आवाज पहले से ही गई है कि अभी गई? बाद में चली गई। कौन? आवाज।
मतलब कैसे? मतलब क्या? इंग्लिश, मलयालम है? बिंदी, हिंदी। चार डायरी ऐसे ही दम शराब करके खुद का दम निकाल लेती है। दरअसल हमारे पत्नी को ये बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, बस जहाँ देखो बेसन के लड्डू ही खाती रहती है। एक दिन पूरा का पूरा लड्डू ठूस दिया तो गले में अटक गया। तो तीन मेरी नहीं, तीन दिन डॉक्टर ने बहुत मेहनत की तब जाके वो लड्डू निकाल पाए, उसके साथ इनकी आवाज भी निकाल पाए, तब से ये ऐसे ही दम सरा। अच्छा सरोज जी, खुशी का माहौल है, एक लड्डू तो बनता है। चुप रहिए आप, सब जानती हो आप क्या चाहते हैं। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? एकदम पक्का समझते हैं। वो क्या है ना कि हमारे घर में किसी चीज की कमी तो है नहीं, बस हमें तो एक गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी जो हमें मिल गई। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस शादी हो जाए जल्दी, यही काफी है। बिल्कुल, कल ही सगाई कर लेते हैं और परसों शादी कर लेते हैं क्या? स्माइल तो बहुत ओरिजिनल है यार संतू जी का। ए चड्ढा, अगर कुछ नहीं किए ना हम लोग तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे यार। चिंता मत कर चीते, अब तो जो होगा ना कल सगाई वाले दिन ही होगा। क्या होगा सगाई वाले दिन? अरे तो रुक, तो बताता हूँ मैं। तुम हाँ, कल सगाई और परसों शादी सब मंजूर है। क्या मतलब सब मंजूर है? इन्हें कुछ नहीं पता, वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अब जगह बुक करनी पड़ेगी, केटरिंग, डेकोरेशन, कितने सारे इंतजाम करने पड़ेंगे, तो इतने जल्दी सब कुछ कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सगाई और शादी दोनों का इंतजाम यहाँ थाने में ही होगा और सारी तैयारियाँ हम लोग करेंगे, और वैसे भी फिलहाल सोशल गैदरिंग्स पर तो पाबंदी है ही। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी सीनियर होनी चाहिए जो अपनी जूनियर का ध्यान रखती है। रिश्ता भी थाने में तय किया और शादी भी, वाह भाई वाह। चलो सब लोग मिलके तैयारी करते हैं, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो संदीप जी। अरे संतू के पापा ठीक से गले लगी है ना? तो आवाज आप बोल कैसे पड़ी? माँ की आवाज, आवाज वापस आ गई। पापा आवाज वापस आई, खुशी के मारे माँ की आवाज आ गई। मुबारक हो मम्मी। यूरेका यूरेका, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, हमारी बेटी की विदाई से पहले ही हमारी आवाज खुल गई। कंग्रेचुलेशंस, पत्नी की आवाज वापस आ गई, ये ले लो। अरे, पापा, हमारी आवाज वापस आ गई।
Congratulations. मैडम सर, लातों के भूत लग रहे हैं मैडम सर. लगता है हमें हमारा डंडा उठाना ही पड़ेगा. जज्बात काम नहीं आएंगे लग रहा है. फिलहाल तो हम जज्बात का पत्ता खोल भी नहीं रहे, इसलिए आप अपने आप पर काबू रखिए और देखते जाइए कि क्या होता है. जी. अबे ओ, क्या कर रहा है चीते? अरे जुबान जला रहे हैं सनी, जुबान जला रहे हैं ताकि दिल में जो जलन हो रहा है ना, उसका एहसास ना हो हमको. और कर भी का सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं. ये देख जमाल घोटा. ए, संतोष जी को जमाल घोटा पिलाएगा? अबे ओ, संतोष जी के लिए नहीं है, वो आदित्य के लिए, ताकि वो संतोष जी से ज्यादा चिपके ना और हम दोनों की ज्यादा जले ना. रुक एक सेकंड. बेटा, ए बाबू इधर आओ. इधर 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 इधर. तुम आओ इधर. हाँ, जाओ जाओ उधर. दो देखो, मेहमान लोग बहुत आया है. पकड़ से. चल दे यार. जा चीते, बचा ले हम दोनों का प्यार. ए, हमारा प्यार. संतू जी. आदित्य जी लीजिए, जूस पीजिए, अपने हाथ से बनाए हैं स्पेशल आपके लिए. धन्यवाद चीते. धन्यवाद चीता. कैसे आदित्य जी आप? ठीक हो? करिश्मा मैडम को बताया कि नहीं? क्या बोलते संतोष जी के सामने हैं कि इसमें जमाल कोटा मिला कर लाए हैं ससुर. अरे करिश्मा मैडम तो गई आज. ना बाबू, नहीं गई, हम दोनों गए. सोता हुआ शेर छेड़कर आ गए हम यार. हमने सुना हमारे संतू को पसंद करने से पहले आपने बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी क्योंकि आपको गोरी लड़की बहुत पसंद है. हम वो एक्चुअली हाँ, अब बाकी का चर्चा बाद में आके करते हैं, अभी आते हैं. अरे मेरी फ्रेंड अंबिका. कितनी लेट आई है, मुझे लगा आएगी ही नहीं. अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगाई है, ऐसे कैसे नहीं आती? कांग्रेचुलेशंस संतू. थैंक यू. इनसे मिलिए, ये आदित्य है. हाय. हाय. आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो साथ. थैंक यू. अच्छा मुझे एक बात बता. हाँ. हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े क्यों पहनकर आ जाती है? अरे मेरी मम्मी कहती है कि मुझे ना हर फंक्शन में व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए. क्यों? मेरा रंग निखर के आता है, शायद इसी बहाने कोई लड़का मुझे पसंद कर ले. क्या उसकी मम्मी? शायद मेरी भी किस्मत खुल जाए. तू पगली है क्या? ऐसे कुछ नहीं होता है. तू जिससे शादी करेगी ना, उसकी किस्मत खुल जाएगी. और जो ये रंग देखकर प्यार करते हैं ना, उन्हें लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता. सच्चा प्यार वही होता है जो इंसान के अंदर की खूबसूरती से किया जाता है. हाँ तो आदित्य, हम क्या कह रहे थे कि वो अभी आते हैं वापस. मैडम जितना परेशान होगी हम लोग को भी उतना ही करेगी यार. मजा नहीं आया. अरे भाई देख के चलो. आप दिखेंगे तब तो देख के चलूंगा ना. रंग देखा है आपने अपना? सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हैंगर पे कुर्ता पजामा टंगा चला आ रहा है. मजा नहीं आया. और ये क्या 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 डेकोरेशन करवाया आपने? कोई इंतजाम ही नहीं है ना, खाने का इंतजाम ना पीने का इंतजाम. देखिए खर छोड़िए. अच्छा ये शादी जो है ये मैंने सुना है कि हसीना मैडम ने करवाई है. हाँ हाँ.
उनसे बोलिए ना कि अगर मेरे लायक कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दें। मैडम सर ये थाना चलाती है, मैरिज ब्यूरो नहीं। तो क्या खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, यानी कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कमाल आदमी है। एक्सक्यूज मी, हाय सॉरी, हमें अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करनी है, आप लोग प्लीज कंफर्टेबल रहिए। या हाँ आप जाइए, बस हमारी बहू को छुट्टी दे दीजिए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। क्या कुछ भी नहीं मैडम सर, आइए अंदर हमारे साथ। चुनू चुनू। ओके ब्रो, सी यू, एंजॉय द। सॉरी 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 मैडम, डोंट माइंड, एक सलाह दूं आपको। आप ना एक एक सर पे अपने पर्सनल टॉर्च लगवा लीजिए ताकि आप दिखें। नहीं नहीं आप लालटेन भी लगा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है ना कि यहां पर इतनी लाइट है इसलिए आप मुझे दिख गई, वरना एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका लड़कियों से बात करने का। आपको बुरा लगा? एक्सक्यूज मी, मुझे इनके लिए बुरा लगा। मैडम क्या कमाल की खूबसूरत हैं आप। और आप, आपने बहुत कोशिश की कि आप अच्छा दिखें, बहुत अच्छा दिखें, लेकिन आप फेल हो गए, मजा नहीं आया। ये क्या बदतमीजी है। अरे अरे मैं सच बोल रहा हूं, आई स्वेयर। इनमें क्या देख लिया आपने, मुझे देखिए क्या कमी है। आप मुझसे शादी कीजिए ना, आपको रानी बनाकर रखूंगा। कमरा सिक्योरिटी पुलिस। क्या भाई कौन हो तुम, क्या बदतमीजी है, ये मेरी बहू है। अच्छा ये आपकी बहू है, मजा नहीं आया। देखिए क्या है ना कि ये आपकी बहू नहीं है, मैं इनका जीजा हूं। नमस्ते अंकल। क्या बकवास कर रही हो, हाँ मैं इनसे ही शादी कर रही हूँ। अच्छा तो तुम इससे शादी करोगी, मुझसे नहीं। अगर तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओ